R9 टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से जुड़ी हुई LOC से जुड़ी हुई, यहां पर भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। और आपको बता दें 5 आतंकियों को ढेर किया गया है LOC पर। हालांकि ये भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये घुसपैठ करने की कोशिश में थे। सेना ने 5 बैट आतंकियों को मार गिराया है, हालांकि इन्हें आतंकी कहा जा रहा है। बॉर्डर एक्शन टीम दरअसल पाकिस्तान की, उसके 5 लोगों को मार गिराया है भारतीय सेना ने। लेकिन पूरी तरह से ये बॉर्डर एक्शन टीम जो है आतंकियों की तरह ही काम करती है, LOC पर पहुंचकर भारतीय जवानों को निशाना बनाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त के लिए भारत के लिए, ये बड़ी खबर, भारत ने 5 BAT जो आतंकी है पाकिस्तान के, उनको मार गिराया है। सेना ने मारे गए आतंकियों का वीडियो भी जारी किया है और वीडियो में आतंकियों की डेड बॉडी, उनके जो हथियार थे उनके पास, वो भी दिखाए गए हैं। LOC पर सेना ने आतंकियों को मार गिराया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज की है, अब से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो बॉर्डर पर दिखे थे LOC से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। ये बताया जा रहा है कि 2000 कि लोगों की या सैनिकों की ब्रिगेड भी खड़ी कर दी गई है। मकसद बिल्कुल साफ है कि जो अनरेस्ट करवाना चाहता है पाकिस्तान, उसके लिए आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। और कवर फायर के जरिए, यानी कि सैनिकों के जरिए, पाकिस्तानी सैनिकों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। किसके 5 बैट के जो आतंकी हैं वो भारतीय फौज ने मार गिराए हैं। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।